Yo, what's up guys? मैं हूँ धनंजय, वेलकम टू माय दिस वीडियो। और ये है मेरा दोस्त, इसका भी एक चैनल है पीसी वीडियो, उसको भी थोड़ा सब्सक्राइब कर देना। और ऑरिगामी मास्टर तो आप सब्सक्राइब करना जानते हैं। और आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं, सरप्राइज हो गए ना, ऑरिगामी एंड क्राफ्ट मास्टर के घर में पीसी वीडियोस। और आज हम बनाने वाले क्राफ्ट ऑफ जो होता है गणेश जी का स्टैचू। और मेरे तरफ से और मेरे दोस्त के तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए हमें जो स्टैचू गणेश जी, पहले हम चाहिए एक सीजर, कुछ व्हाइट और कलर पेपर और एक गणेश जी का फोटो। और आपको अगर करना है ये ड्राइंग, हम एक्स वाई जेड से इसको ड्राइंग किए हैं, उसका लिंक में इसको कैसे ड्राइंग करना है उसका लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और मेरा दोस्त पीसी वीडियो का भी एक वीडियो का लिंक में उस डिस्क्रिप्शन में उसमें दे दिया हूँ, उसको सब्सक्राइब कर देना। पहले हम बनाने के लिए स्टैचू ऑफ गणेश जी, पहले चाहिए एक व्हाइट पेपर। हम 3D वाला बना रहे हैं, उसीलिए हमें व्हाइट पेपर ले रहे हैं। हम 3D वाला बना रहे हैं, उसीलिए हम गणेश जी को इससे बिठाएंगे और कलर पेपर से उसका थोड़ा डिजाइन बना लेंगे। देखिए हम इसको टर्न कर दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा ग्लू लगाएंगे। हम फेविकॉल का यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो फेविकॉल और फेविक्विक से भी लगा सकते हैं। फेविक्विक मतलब ना, फेविक्विक से थोड़ा ज़्यादा चिपक जाता है, उसीलिए वो निकलेगा नहीं। अगर आप थोड़ा गलती कर दे तो वो निकलेगा ही नहीं। इसको हम चिपका देंगे। देखिए हमने इसको चिपका दिए हैं। अब हम यहाँ से यहाँ तक एक कट देंगे। देखिए हमने उसको कट कर दिया है। अब हम यहाँ से थोड़ा इसको फोल्ड करेंगे। देखिए फोल्ड हो गया हमारा। उसके बाद इसको ऐसे स्टैंड करने के लिए हम एक मेथड बनाएंगे। देखिए हम ये दो कलर पेपर ले रहे हैं, उसमें थोड़ा कट किए थे। अब हम इन दोनों को एक साथ चिपकाएंगे। देखिए गाइस हम इसको कट कर दिए हैं। उसके बाद हम गणेश जी को, देखिए हम गणेश जी के इसे पीछे इसको चिपका देंगे। ये जो क्या है, अब ये खड़ा होगा। गणेश जी खड़े भी हो गए जो हम फोल्ड किए थे, उससे वो खड़े हुए हैं। और अगर आप इसको, अगर आप खाली ड्राइंग, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर देना। और वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। और पीसी वीडियो को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर देना।